हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है दीवान किचन इक्विपमेंट में। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ फरसान मशीन का पूरा सेट। तो सबसे पहले ये है बेसन मिक्सिंग, जिसमें हम बेसन ऐड करेंगे। ये पूरा हमने बाउल के अंदर बेसन डाल दिया है, उसके ऊपर हम मरी ऐड करेंगे और उसके अलावा नमक ऐड करेंगे। उसके अलावा जो आपको बेसन के अंदर जो भी मसाले ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ऑयल भी इसमें ऐड करेंगे। फिर मशीन स्टार्ट करके कितना पानी की ज़रूरत है उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। फिर थोड़ी देर मशीन चलाएंगे तो अपने आप आटा एकदम कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाने के बाद ऊपर से चकरी खोल के मशीन का फ्लावर बाहर निकाल लेना है। फिर जो पूरा टॉप है मशीन का उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारा बेसन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद ये है इलेक्ट्रिक कढ़ाई। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे, उसके बाद स्विच ऑन करेंगे और जितना टेम्परेचर चाहिए उसके हिसाब से हम उसको सेटअप करेंगे। ये ऑयल गर्म होना स्टार्ट हो गया है। ऑयल गर्म हो जाने के बाद ये है फरसान मशीन, इसमें हम जाली ऐड करेंगे। सबसे पहले ये हमने पापड़ी की जाली लगाई है। इस तरह से मशीन के अंदर जाली लगानी है। जाली लग जाने के बाद मशीन को कढ़ाई के ऊपर सेट करना है और ड्रम के साइड में जो होल है वहां से बेसन को ऐड करना है। फिर कढ़ाई के ऊपर रख के मशीन को चालू करना है और आपका पापड़ी बनना कंप्लीट शुरू हो जाएगा। ये दोस्तों पापड़ी बनके रेडी है। अब हम उसको सही तरह से बाहर निकालेंगे। जो पापड़ी बन जाएगी उसको हम बाहर निकालेंगे। ये पापड़ी बनके कंप्लीट रेडी है। इस तरह से सभी प्रकार के नमकीन हम इसमें बना सकते हैं। इस मशीन के अंदर अलग अलग 10 चाली आती है। जिस तरह का नमकीन बनाना है उस तरह की हम इसमें चाली लगा के यूज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को आप सबसे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही फूड प्रोसेसिंग मशीनरी के बेहतरीन वीडियो मिलते रहेंगे। उसके बाद हमने अब फरसान मशीन की नेट चेंज कर दी है। ये चंपा कली की जाली लगाई है, इसके अंदर अब हम चंपा कली बनाएंगे। तो देख सकते हैं एकदम पूरा लंबा चंपा कली गाठिया बन रहा है। तो जैसे जैसे आपको जिस जिस टाइप का बेसन बनाना है उस टाइप का आपको नेट लगा के बनाना है। ये चंपा कली गाठिया एकदम कंप्लीट बनके रेडी हो गया है। उसके बाद हम आगे दूसरी नेट लगाएंगे गाठिया की। ये हमने नेट लगाई है गाठिया की, तो ये इसमें अभी गाठिया बन रहा है। तो देख सकते हो दोस्तों इसको चलाना कितना आसान है। इसको कोई भी चला सकता है बड़ी आसानी से। इस मशीन को खरीदने के लिए डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। उसके अलावा अगर ज़्यादा कोई भी जानकारी के लिए आपको डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे पूछ सकते हो। तो दोस्तों ये है फरसान मशीन, जिसके अंदर आप तरह तरह के फरसान बना सकते हो। हमने आज सेव बनाई है, गाठिया बनाया है, पापड़ी बनाई है, ये अलग अलग फरसान हमने बनाया है। उसके बाद हम ड्रायर मशीन में से उसको ऐड करके एक्स्ट्रा जो भी ऑयल होता है वो हम उसमें से निकाल लेंगे। ये है टिल्टिंग ड्रायर। तो उसमें हम नमकीन गाठिया जो बनाया है ऐड करके मशीन को चालू कर दें, जिससे उसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल बचा होगा वो निकल जाएगा। एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के लिए ड्रायर मशीन का यूज़ करते हैं। तो देख रहे हो आप दोस्तों मशीन को स्टार्ट करके देखेंगे जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकलेगा।
तो आप देख सकते हो ये मशीन जो है इसमें से हमने अभी ये एक्स्ट्रा ऑयल है और निकाला है, यहाँ नीचे पाइप के द्वारा एक्स्ट्रा ऑयल बाहर निकल रहा है। एक्स्ट्रा ऑयल निकालने से फायदा ये होता है कि आप फरसान को लॉन्ग टर्म तक रख सकते हो और आपका ऑयल भी बचता है। इस तरह का आपको अलग अलग इसमें से बेनिफिट मिलेगा। इस मशीन को खरीदने के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए और इस तरह से आपको फरसान बाहर निकाल लेना है। तो दोस्तों ये सब मशीन आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी हमारे पास से। उसके बाद ये है नमकीन मसाला मिक्सर, जिसके अंदर हम दो फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, अलग अलग फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, चवाना बना सकते हैं, अलग अलग सब बना सकते हैं। ये मशीन रिवर्स फॉरवर्ड आता है, मतलब दोनों साइड घूमता है, आगे और पीछे दोनों साइड घूमेगा। इसके अंदर हम आज सेव ममरा बनाएंगे। ये पहले हमने ममरा ऐड कर दिया है और जो अभी नमकीन मशीन में बनाया हुआ सेव हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये सेव भी हमने डाल दिया है, मशीन को स्टार्ट करेंगे और मशीन मिक्सिंग करना चालू कर देगा। ऊपर से आपको जो भी इसमें मसाला फ्लेवर जो भी ऐड करना है आपको ऊपर से ऐड कर देना है। दोनों साइड घूमेगा जैसे कि अच्छी तरह से वो मिक्स हो जाएगा। आप देख सकते हो कितना बढ़िया मिक्सिंग हो गया है। फिर मिक्सिंग हो जाने के बाद साइड का लॉक खोल के हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा सेव ममरा बन के कम्प्लीट रेडी है, एकदम बढ़िया मिक्स हो गया है। सेव ममरा के अलावा आप इसमें चवाना मिक्स भी कर सकते हो। इस तरह से बहुत सारी आइटम जो आपको ज़रूरी हो सारी आइटम इसमें मिक्स हो जाएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच।